कनवास थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 102 किलो 460 ग्राम अवैध अफीम का डोडा चूरा सहित 5 अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें मध्य प्रदेश पुलिस का एक कांस्टेबल भी शामिल है। अंतरराज्यीय तस्करी के दौरान दूसरे वाहन से डोडा चूरा से भरी कार को एस्कॉर्ट करने वाले आरोपियों में यह पुलिस जवान भी शामिल था। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल 2 कारें भी जब्त की हैं। कनवास SHO शामाराम ने बताया, पुलिस चौकी तिराहे पर 2 कारों को आते हुए देखा गया, लेकिन नाकाबंदी में दोनों गाड़ियां तेज स्पीड में निकल गई। पुलिस ने इनका पीछा किया और तस्करों दीपक बागरी नेपाल सिंह राजपूत, दिलीप उर्फ गोलू उर्फ सुल्तान लोहार और राहुल लोहार को गिरफ्तार किया। इस दौरान कार से 102 किलो 400 ग्राम अवैध अफीम का डोडा चूरा बरामद किया गया। वहीं तस्करों की कार को एस्कॉर्ट कर रहा तस्कर कीर्ति कुमार जाट, जो मध्य प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल है, भी गिरफ्तार किया गया। तस्करी शातिर तरीके से की जा रही थी, जिसमें एक कार में डोडा चूरा के कट्टे भर कर ले जा रहे थे और दूसरी कार उन्हें एस्कॉर्ट कर रही थी। फिलहाल सभी तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। इस कार्रवाई में SHO शामाराम, ASI पतराम, हेड कांस्टेबल सतीश कुमार, महिपाल सिंह, दिनेश कुमार, सुमेर सिंह, विनोद और लोकेंद्र शामिल रहे। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।